स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे प्रेसिंग की, जिसको आयरिंग भी कहते हैं। आयरिंग जो हम कपड़ों पर मारते हैं वो आयरिंग नहीं, जो हम अपने बालों पर प्रेसिंग करते हैं उस आयरिंग की बात कर रहे हैं हम आज आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रेसिंग कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको प्रेसिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो इससे पहले मैंने आपको हेयर स्टाइल की और ब्यूटिशियन कोर्स की में थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच इन सब की वीडियो थ्योरी भी डाली हुई है, प्रैक्टिकल भी डाले हुए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे, देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। और जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आगे आने वाले वीडियो की। तो इस तरह की प्रेसिंग होती है, आप देख सकते हैं ये हमारी प्रेसिंग मशीन है, इसको हम प्रेसिंग करते हैं। इसमें यहाँ पर नंबर होते हैं 220, 200, 180, 160 डिग्री। तो ऐसे नंबर होते हैं, हमने इसको अपनी मर्जी से सेट करना होता है बालों के हिसाब से, हम कितनी इसको हीट देना चाहते हैं। ये बटन होता है, इससे हम कौन सा सिलेक्ट करना है हम चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं ये नंबर हैं। तो हमें प्रेसिंग के अलावा हमें सेशन क्लिप्स की ज़रूरत होती है, कुछ इस तरह के सेशन क्लिप्स होते हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरह से। आप चाहे तो रबर भी यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को टाई करने के लिए। और ये टेलकॉम की ज़रूरत होती है, इसे हम इक्वल सेशन निकाल सकते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि हम कैसे सेशन निकालें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बालों को टैंगल फ्री कर लेना है, अच्छे से बालों की अड़की वगैरह निकाल लेनी है, ताकि हमें प्रेसिंग के दौरान दिक्कत ना हो। हमने अच्छे से अड़के निकाल लेनी है, टेंगल फ्री कर लेने हैं बाल अपने। प्रेसिंग करने से पहले बाल हमने साफ होने चाहिए, हमारे बाल धुले हुए होने चाहिए। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमने फ्री कर लिए हैं अपने हेयर। अब हम क्या करेंगे, हम 4 सेशन करेंगे। आपको पता होगा, जिन्होंने भी ब्यूटिशियन सीखा हुआ है, ब्यूटिशियन कोर्स किया हुआ है, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं। ये हम पहला सेशन करेंगे अपने सेंटर में इस तरह से। ये हमने सेंटर में इक्वल, अपने आप इक्वल निकल गया है। टेलकॉम का यही फायदा होता है, इजली सेशन पूरे क्लीन नीट निकलते हैं इस तरह से। अब हम एयर टू एयर पार्टीशन करेंगे इस तरह से। यहाँ पर रबड़ भी लगा सकते हैं ऐसे, और चाहें तो आप ये क्लिप भी लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं हमने लगा लिया।
अगले पालों पर भी हम ऐसे ही सेशन क्लिप लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी प्रेसिंग करें नीचे टॉवल जरूर रखें ताकि क्लाइंट को गरम गरम हीट ना लगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि उनके स्कैल्प को हीट ना लगे, ईयर के पास आप ध्यान से बिल्कुल केयरफुली आप प्रेसिंग करेंगे। तो हमने प्रेसिंग ऑन कर रखी है, आप देखिए इस तरह से हमने सीधे सीधे सेशन लेने हैं इस तरह से। और इनको आप क्लिप भी लगा सकते हैं या फिर आप अगर कोई आपके साथ हेल्पर है तो आप इन्हें पकड़ा सकते हैं या हम के बीच में ना आए। इस तरह से आपने फोम करनी है। ये हमने 180 रखा है इसका, आप देख सकते हैं हमने 180 रखा है। और इस तरह से हम करेंगे ऐसे, ये आप देख सकते हैं। लेकर जानी है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमें छोड़ देनी है। आपने सभी बालों को इसी तरह से करना है। पकड़कर करने में परेशानी होती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर दबाव होना चाहिए अच्छे से इस तरह से। क्लाइंट के बालों पर खींच ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए। ये देखिए कुंभ के साथ पकड़ने में मुश्किल आती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से तो आप देख सकते हैं ये है हमारे प्रेसिंग। देख सकते हैं हमने बैक साइड प्रेसिंग कर ली है, अब हम फ्रंट साइड प्रेसिंग करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी बैक साइड में प्रेसिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी प्रेसिंग हुई है। अब हम फ्रंट साइड में प्रेसिंग करेंगे। जैसे आपने लिए इस तरह से किया, इस तरह से आपने तो आप देख सकते हैं ये इनके प्रेसिंग हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी प्रेसिंग हुई है। तो ये थी हमारी आज की प्रेसिंग की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।